हेलो एवरीवन, एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभिषेक, तनु, कामेश, हेलो प्रिंस, हेलो हरी राव, हेलो पवन, अनिल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हेलो, एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पे। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ। ये क्लास आपकी डेली रात को 11:15 बजे होती है, तो आप सारे बच्चे डेली रात को 11:15 बजे क्लास को ज्वाइन किया करिए। अभी मेरा एक प्लस पे कोर्स आया हुआ है पॉलिटी का, जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और ये क्लास हर एक ट्यूजडे एंड थर्सडे होता है शाम को 7 PM पे। यानी कल आपकी शाम को 7 बजे क्या होगी, प्लस की क्लास होगी। तो सारे बच्चे आप लोग कल शाम को 7 बजे प्लस की क्लास में आ जाना। अनअकैडमी कॉम्बेट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, अनअकैडमी आपके लिए कंडक्ट करवाता है, वो भी फ्री में। तो आप सारे स्टूडेंट इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको ज्वाइन कब करना है ये चीज़ याद रखना है, एवरी संडे दिन में 12 बजे, और ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है वर्षा, जिससे कि आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे। और जो भी रैंक होल्डर्स होंगे टॉप 500 स्टूडेंट, उनमें से टॉप 3 स्टूडेंट को आपका फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसके बाद वाले स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो 12 या 24 महीने का लीजिएगा। 12 24 महीने ही क्यों, क्योंकि जब आप इसकी पर मंथ कॉस्ट चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 12 और 24 महीने का जो प्लान है उसकी मंथली कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। तनु, में अलग से कोई बैंक की प्रिपरेशन नहीं करवाती, ठीक है। तो 12-24 महीने आपको सस्ता पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि जो एसएससी का सिलेबस है वो लंबा चौड़ा होता है, तो उसको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भी 12-24 महीने का लीजिए, और ऊपर से प्रोसीजर भी लंबा चलता है, तो इसलिए भी 12-24 महीने का ही लीजिए। और ये जो आपके सामने रेट लिखे हैं, ये रेट तब के होंगे जब आपको इस कोड को अप्लाई कर देंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7800 का कोर्स है, वो आपको आफ्टर डिस्काउंट 7020 का पड़ेगा, और 6500 का जो आपका प्लान है वो आपको आफ्टर डिस्काउंट 5850 का मिलेगा, ठीक है। गुड इवनिंग धीरज, पोएट्री हब हाय, कमलेश हाय, तो सभी बच्चों को हाय। एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। आज 40 क्वेश्चंस होंगे, और आज थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। और कल के लिए अपडेट दे देती हूँ आपको, कल आपकी यूट्यूब की तो क्लास होगी, प्लस की क्लास भी होगी, कल आपकी स्पेशल क्लास नहीं होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द 23rd जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान से 23वें जैन तीर्थंकर जुड़े थे। ऑप्शन ए कौशाम्बी से, ऑप्शन बी श्रावस्ती से, ऑप्शन सी वैशाली से, ऑप्शन डी वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पोएट्री हब का आंसर है कौशाम्बी। रितेश गुड इवनिंग, शानू का कौशाम्बी, ओम प्रकाश का वाराणसी, एंड सुशांत का कौशाम्बी। ओम प्रकाश एंड राजन, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। विनम्रा शो, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज वाराणसी, जो आपके 23rd जैन तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, ठीक है। ये आपके 23rd जैन तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ में हुआ था, वाराणसी में, ठीक है। तो इनका एसोसिएशन किससे था, वाराणसी यूपी से ये संबंधित थे। ये आपके 23rd तीर्थंकर थे, ये तो आपको समझ में आ ही गया। आपके जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन के, वो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन थे। तो पार्श्वनाथ इज द करेक्ट आंसर। और इस और आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इन्होंने निर्वाण कहाँ पे लिया था, तो इन्होंने निर्वाण लिया था आपके शिखर जी, शिखर जी जो कि आपके कहाँ पड़ता है, झारखंड। जो भी जैन होंगे उनको पता होगा, जो नहीं भी जैन है तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने निर्वाण कहाँ पे लिया था, शिखर जी में। ऊपर से जितने भी आपके जैन तीर्थंकर होते हैं उनसे उनका साइन पूछा जाता है कि उनका साइन कौन सा था, तो इनका जो साइन था वो कौन सा था, स्नेक। इनका साइन कौन सा था, स्नेक। जैसे आपके ऋषभनाथ का क्या था, बुल था ना, तो उसी तरीके से इनका क्या था, स्नेक था।
हाँ ऋषभनाथ आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। और टोटल जैन में कितने तीर्थंकर थे? 24। टोटल आपके 24 और आपके फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ। दाना पूछ रहे हो या बता रहे हो ये बता दो पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आंसर क्या होगा? जो पार्श्वनाथ थे, जो 23rd जैन तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? वाराणसी में। तो फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ओक तुषार इंडस्ट्री? ओक तुषार पता है, तुषार सिल्क होता है, अगर आप लड़कियों को तो मालूम होगा, अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है तो साड़ी वगैरह आती है तुषार सिल्क की। तो ये पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले ओक तुषार इंडस्ट्री को सेटअप किया था? ऑप्शन ए उड़ीसा ने, ऑप्शन बी आसाम ने, ऑप्शन सी केरला ने, ऑप्शन डी मणिपुर ने। अच्छा बता रहे हो तो अच्छी बात है। तो मिंटू का आंसर आ रहा है आसाम, सात्यांशु का डी, किस्मत का डी, जिज्ञासा का डी, आवारा जीनियस का आसाम, पोट्री हब का डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका मणिपुर है वो पहला राज्य था जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आपका ओक तुषार इंडस्ट्री, ठीक है। ये तुषार मैंने भी अभी आपको बताया सिल्क होता है, ठीक है, इससे कपड़ा वगैरह बनता है, साड़ियां वगैरह आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे चले जाओ तो मिल जाएगी तुमको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा? बी, सॉरी डी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हेडेड द कमिटी ऑन चीफ कमीशंस प्रोविंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, ऑप्शन सी पी पट्टाभी सीतारमैया ने, ऑप्शन डी के एम मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एटलीस्ट जितने बच्चे लाइव हो उतना तो लाइक पहले कर ही दिया करो। तो यहाँ पे दक्ष का आंसर है ए, न्यूटन का डी, मोहम्मद कासिम का ए, ताहिर का ए, एंड करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे चीफ कमीशन पूछा है, कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस पूछा है, तो यहाँ पे दाना का डी है और विवेक का सी है, तो केवल यहाँ पे विवेक का आंसर सही आया, विवेक कुशवाहा एंड अनिल यादव, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके टोटल 23 कमेटी बनी थी, ठीक है, 23 कमेटी बनी थी जिसमें से आपकी 15 क्या थी माइनर कमेटी और 8 क्या थी मेजर कमेटी, ठीक है। तो वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्लस में, एक बार देख लेना आप लोग, जो प्लस वाले स्टूडेंट हैं, जो नहीं है उनको मैं बता दूंगी बाद में कि 8 कमेटी कौन सी थी, उसके हेड कौन कौन थे। तो जो आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उसके हेड थे पट्टाभी सीतारमैया। प्रियंका आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बापी आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी? जब कोई वस्तु धनात्मक प्रारंभिक वेग से निरंतर ऋणात्मक त्वरण से गति करती है तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है? ऑप्शन ए मोर देन 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी लेस देन 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो यहाँ पे अमन पाल का बी है, रिंकेश का बी है, आकाश का बी है, विवेक का सी है, जुगराज का ए है, हरिराव का ए है और ऋषभ का ए है। जुगराज, हरिराव एंड ऋषभ, आप तीनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मोर देन 90 डिग्री। आपसे पूछा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो आपके कॉन्स्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा, जब आपका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और आपका पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो आपका स्लोप कैसा रहेगा? मोर देन 90 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा रहता कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव और आपका इनिशियल वेलोसिटी भी कैसा है पॉजिटिव, तो आंसर होता आपका लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मोर देन 90 डिग्री। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस आपके लैंग्वेज को चेंज कर दे, सारे क्वेश्चन में सारी चीजें सेम रखे और यहाँ पे एक्सेलरेशन को अगर पॉजिटिव कर दे, ठीक है, इसको अगर पॉजिटिव कर देगा तो आपका आंसर एकदम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, लोहे पर जस्ता की एक परत जमा करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रस्टिंग, ऑप्शन बी बेकिंग, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन या ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो किस्मत का आंसर है, पोएट्री हब का आंसर है रस्टिंग, किस्मत का डी, आकाश का डी, प्रभात का डी, शैयद का डी, भूपेंद्र का डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके जिंक की लेयर आपके आयरन पे चढ़ाई जाती है उसको आपको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस लिए होता है, ताकि आपका जो आयरन है वो उसको जंग लगने से बचाया जा सके, ठीक है, रस्टिंग से बचाया जा सके, इसीलिए इसकी लेयर को लगाया जाता है आपके आयरन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज डी गैल्वेनाइजेशन। साउंड का क्या इशू आ रहा है कुंतल, तो रोहित टारगेट एमपी स्टडी, अनिल, रितेश, माइसेल्फ, साहिब, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रभात तुम तो ये क्वेश्चन पूछा ही मत करो, हम कभी भी यूट्यूब पे थोड़ी ना लेंगे। धरोई डैम इज सिचुएटेड ऑन विच स्टेट, धरोई बांध किस राज्य में है, ऑप्शन ए हिमाचल में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जंग से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए। ऋषभ कल भी ये क्वेश्चन था, आपने शायद क्वेश्चन ढंग से कल पढ़ा नहीं, कल उसका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दूसरा पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सेम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन दूसरा था। संचिता का एमपी, रंजन का गुजरात, ओम का गुजरात, विनम्रा का गुजरात, रोहित का राजस्थान। करेक्ट आंसर इज गुजरात। जो आपका धरोई डैम है ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और अगर आपसे पूछे कि किस रिवर पे बना हुआ है, तो ये आपके साबरमती रिवर पे, ठीक है, किस रिवर पे बना है, ये आपके साबरमती रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, धरोई डैम इज ऑन साबरमती रिवर। क्वेश्चन नंबर 7, नाबार्ड इज बेस्ड इन विच सिटी, नाबार्ड किस शहर में आधारित है, ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी मुंबई में। कल का जो क्वेश्चन था ना उसमें ऑप्शन में भी सेम होगा बट क्वेश्चन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेम का आंसर बी है, मोनोवर का डी है, प्रभात का मुंबई है, प्रेम कुमार पोएट्री हब का बेंगलुरु है, पराग का कोलकाता है, हाँ विनम्रा तुम्हारा नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा, जिस हिसाब से आप लोग आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, तो आंसर इज डी मुंबई, ठीक है। नाबार्ड जो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे आपका मुंबई में है, और ये अभी जो इसके हेड है वो कौन है, जी आर चिंटला, ठीक है, जी आर चिंटला। अच्छा ये बता दो कि ये कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, ऑप्शन दे देती हूँ, ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1986, या ऑप्शन डी है नन। नाबार्ड आपका, नाबार्ड का फॉर्मेशन कब किया गया था, कौन से ईयर में, पोएट्री हब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, टारगेट एमपी आपका भी बिल्कुल ठीक है, दाना आपका भी, वैभव आपका भी। जो आपका नाबार्ड सेटअप हुआ था ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में, 1982 में, ठीक है, तो 1982 इज द करेक्ट आंसर। इसके अभी हेड है जी आर चिंटला एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्री सच एज सीरिया इन द वेस्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे, ऑप्शन ए गुप्ता, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी पल्लव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि किस के काल में आपके सीरिया के साथ संबंध थे। प्रभात तुम्हारा नाम तो लिया ही, तुमने मुंबई आंसर दिया था, तो आकाश का आंसर ए है गुप्ता, रोहित का सी, शुभाशीष का सी, संजीव का सी, जिज्ञासा का सी, तो जिसका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। मौर्या के टाइम पे जो बिंदुसार थे उनका जो रिलेशन था आपके सीरिया के हेड एंटियोकोस, ऐसे ही उनका कुछ नाम है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, तो उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के कोर्ट में सीरिया के कौन से ब्रांड एम्बेसडर आए थे, उनका नाम बताइए,
बिंदुसार के कोर्ट में सीरिया से कौन से ब्रांड एम्बेसडर आए थे, उसका नाम बताइए जल्दी से, ऑप्शन मतलब जल्दी से आंसर बताओ कौन आए थे। तो पराग, मोहम्मद कासिम, रंजन, आप सभी का बिल्कुल ठीक है। हाँ तो एंटीकॉस ऐसे ही था, ANTICHOS, एंटीकॉस ही था। अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेलिंग सही है, ठीक है। डेमेस्कस, प्रभात तुम डेमेस्कस बोल रहे हो, डेमेस्कस नहीं है, डियामोकोस है, ठीक है, डियामोकोस। ये आपके आए थे बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है, कहां से, सीरिया से। डियामोकोस आपके आए थे बिंदुसार के कोर्ट में, कहां से आए थे, सीरिया से आए थे। तो इस चीज को याद रखना, और ये क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना, क्या होगा, मौर्य होगा। आकाश गुप्ता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एंटीकॉस तो बता दिया मैंने, ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछा था कि कौन आए थे, तो ब्रांड एम्बेसडर थे आपके डायमोकॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चंदन रेंजेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, चंदन पर्वतमाला किस राज्य में है, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो नीतीश, अगर तुम पहली बारी क्लास ज्वाइन किए हो तो आपसे डेली क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है। नमस्ते अंकुर, तो यहाँ पे सभी का टारगेट स्टडी का आंसर है सी, शुभाशीष का डी, अमित का डी, सभी का डी ही आ रहा है, हिमांशु का ए है, एंड हिमांशु आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपका चंदन रेंजेस है, चंदन पर्वतमाला है, ये आपके राजस्थान में है, कहाँ पे, जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है आपका चंदन रेंजेस, ठीक है। तो आंसर इज ए राजस्थान। तो बापी आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक, जुगराज आपका भी, राकेश आपका भी, मोनोवर आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके रोहित, वेलकम टू द क्लास, और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, व्हाट इज द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर। भारत के संविधान को प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए बाइकैमरलिज्म, ऑप्शन बी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी टियर 3 गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 10th, अंकुर ठीक है, आप डेली पढ़ते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे रोहित नमस्ते, पोएट्री हब का आंसर है 3-tier गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, पंकज का बी, प्रभात का बी, ब्यूटी का सी, जिज्ञासा का बी, एंड करेक्ट आंसर इज बी। आपसे पूछा था कि जो आपका संविधान है भारत का वो फेडरल इन नेचर है और यूनिटरी इन स्पिरिट है, तो इसमें से कौन सा आपका फीचर नहीं है फेडरल फीचर, तो आंसर इज बी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका कोई फीचर थोड़ी ना हुआ, तो आपका बाइकैमरलिज्म और 3-tier गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर होगा, ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बी अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो बाइकैमरलिज्म है ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है, बाइकैमरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस कंट्री से बोरो किया, ये नीतीश क्लास डेली 11:15 होती है, ठीक है, 11:15 PM पे होती है। जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक भी दिन नागा किए बिना, मिस किए बिना, ठीक है। तो पंकज का आंसर है कनाडा, बाकी प्रभात का आंसर है कनाडा, तो पंकज एंड प्रभात आप दोनों का आंसर, और आकाश का कनाडा, आप दोनों का आंसर बिल्कुल गलत है, करेक्ट आंसर इज यूके, ठीक है। जो बाइकैमरलिज्म है ये हमने यूके से बोरो किया, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, ये सारी चीजें हमने कहां से बोरो की, यूके से बोरो की। तो क्वेश्चन नंबर 10th करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच क्या संबंध होता है, ऑप्शन ए दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ऑप्शन बी बोथ आर एंगल ऑफ 180 डिग्री टू ईच अदर, ऑप्शन सी बोथ आर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 11th, आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप में से यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरे साल नहीं पढ़ता है और वो ये सोचता है कि 10 दिन में पेपर निकल जाएगा या 1 महीने में भी निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
ये मैं फालतू में नहीं बोलूंगी कि हाँ एक महीने में पेपर निकल जाता है। एक महीने में पेपर तब निकलता है जब आपका बेस पूरा क्लियर रहता है, आपको बस एक महीने पूरा रिवीजन को देना पड़ता है। तो यहाँ पे मोहम्मद का बी है, गौरव का बी है, पंकज का सी है, विवेक का ए है। करेक्ट आंसर इज इसका क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आंसर इज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कामेश, आकाश, विवेक, बापी, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। विवेक कुशवाहा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अ चेंज इन व्हिच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डैश। जब आपके किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को। ऑप्शन ए केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी केमिकल चेंज, या ऑप्शन डी फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विनय तुमको ये चीज तो खुद ही समझनी पड़ेगी या शिप्रा मैम की जाकर के क्लास ले लो। साइंस का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो वेरीफाइड है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का तुम मेरे से पूछ लो, साइंस और ज्योग्राफी मत पूछो। तो कमलेश का, अविनाश का, सुशांत का, प्रभात का, सभी का आंसर है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर कोई सब्सटेंस की सब्सटेंस में कुछ चेंजेस आते हैं वो चेंजेस क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर आप हो एक्स वाई जेड, आप जो भी हो, अगर आप पहले 50 किलो के थे, अब आप 60 किलो के हो गए, तो जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले आप पतले थे, अब आप मोटे हो गए, लेकिन इंसान तो वही हो ना, चेंज तो नहीं हो गए ना। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सपोज हमने वॉटर को क्या बना दिया, आइस बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि ये पहले पानी था, अब ये क्या बन गया, बर्फ बन गया। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन आप उसको दोबारा उसी शेप में उसी फॉर्म में ला सकते हो। यानी कि हमने जब वाटर को बर्फ बनाया है तो हम बर्फ को दोबारा से क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं उसको मेल्ट करके। लेकिन जो आपका केमिकल चेंज होता है, इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो चीज वापस अपने फॉर्म में नहीं आ पाती। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइट नोज सिंड्रोम इज एन इमर्जिंग डिजीज अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फौना। श्वेत नाक सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस जीव के बीच एक उभरती हुई बीमारी है। ऑप्शन ए बम्बली बी, ऑप्शन बी फॉरेस्ट ऑलेट, ऑप्शन सी बैट, सी ऑप्शन डी स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ मैं तो नितिन हो ही गई हूँ, तो आंसर बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पवन का आंसर आ रहा है बी, आकाश का सी, प्रिंस का डी, और संजीव का सी, और ओम प्रकाश का भी सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया कि व्हाइट नोज सिंड्रोम अभी बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, ये आपके किस में पाई जाती है। तो ये आपके चमगादड़ में पाई जाती है, बैट्स में पाई जाती है। ये किस तरीके की डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, ठीक है। कैसी डिजीज है, ये फंगल डिजीज है। यानी आपके फंगस आपके बैट्स में जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये फंगल डिजीज है, जिसको कि व्हाइट नोज सिंड्रोम कहा जाता है। इसीलिए जो बैट की पॉपुलेशन में बीच में क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी, केवल इसी बीमारी के कारण। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन हेल्प टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वायरलेस राउटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायरलेस राउटर की सीमा को बढ़ाने में मदद करता है। ऑप्शन ए वायरलेस एडेप्टर, ऑप्शन बी विमेक्स, ऑप्शन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या ऑप्शन डी वायरलेस रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 14, आकाश तुम्हारा आंसर फाइनली करेक्ट हुआ। मैं तो तब से एज्यूम करके चल रही थी कि तुम सारे आंसर सही दे रहे होंगे। तो पोएट्री हब पराग, अंकित, नरेश, नरेश का आंसर ए है, जुगराज का ए है, विवेक कुशवाहा आपका आंसर, और शशि टोपनो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी वायरलेस रिपीटर, ठीक है। 15th, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अभिधामा ट्रीटाइज कठावट्टु। निम्नलिखित में से कौन अभिधाम ग्रंथ कठावट्टु के लेखक है। ऑप्शन ए महिंदा, ऑप्शन बी मिलिंदा, ऑप्शन सी मोगाली पुट्टा टीशा, या ऑप्शन डी महा
कसप्पा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। पोएट्री हब नो आइडिया, नीतीश का आंसर है ए, महिंदा कलुआ का आंसर है डी, अमनपाल का सी। अमनपाल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर है सी। मोगाली पुट्टा तीशा ने ये लिखी थी, अभिधामा ट्रिटाइस काटावट्टू। और ये जो मोगाली पुट्टा तीशा है ये क्या थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क थे और आपके अशोका के स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु कौन थे अशोका के, मोगाली पुट्टू तीशा, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि अशोका के कौन थे स्पिरिचुअल लीडर, तो आपके मोगाली पुट्टा तीशा थे अशोका के स्पिरिचुअल लीडर। तो संजीव, अनीश, प्रेम, संगीता, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। कमलेश आपका भी, बाकी आपका भी, यूनिक मोटिवेशनल वीडियो आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नॉट सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महानदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी नन। हाँ, तो अशोका के वो स्पिरिचुअल लीडर थे, गुरु थे, ये याद रखना। तो यहाँ पे प्रिंस का आंसर डी है, रवि का बी है, विशाल का सी है। तो प्रिंस आप किस हिसाब से डी दे रहे हो, आपसे यहाँ पे महानदी पूछा है, आपके मध्य प्रदेश जबलपुर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जबलपुर आपके महानदी के किनारे नहीं है, क्योंकि जबलपुर जो सिचुएटेड है किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। जबलपुर आपका जो एमपी में पड़ता है ये किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, पूछा था कि महानदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा न्याय उल्लेख आपके प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक, ऑप्शन बी पॉलिटिकल, ऑप्शन सी सोशल या ऑप्शन डी रिलीजियस। क्वेश्चन नंबर 17, दाना गुनावत मीना आंसर दो। हाँ, मैंने तभी तो कहा जबलपुर तो आपका एमपी में है, तो वो तो वैसे भी समझ जाते आंसर। तो प्रदीप, पंकज, गौरव एंड दाना गुनावत, अब आंसर दो आप। और रोहित, सोनी, हिमांश, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आकाश गुप्ता आपका भी, आपके प्रियम्बल में, आपके प्रस्तावना में आपको पता है कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपका जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो जस्टिस जो है आपके तीन तरीके के होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। और ये जो जस्टिस शब्द है ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमने रशिया से बोरो किया, ठीक है। जस्टिस हमने कहाँ से बोरो किया, रशिया से बोरो किया। इसके अलावा आपका इक्वेलिटी, लिबर्टी और इंटीग्रिटी, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने फ्रांस से बोरो किया है, ठीक है। कहाँ से बोरो किया है, फ्रांस से बोरो किया है। और जो ये लास्ट वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमने बाद में अपने प्रस्तावना में ऐड किया, कब ऐड किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। इंटीग्रिटी सर्व शब्द हमने बाद में ऐड किया है, बिल्कुल करेक्ट है। दाना गुनावत आपका फ्रांस आंसर। गौरव, यूएस नहीं आएगा, जो आपने जस्टिस ऐसे कभी कभी होता है पोएट्री हब, जब आप सही आंसर देते हो तो टीचर नहीं देखता, जब गलत देते हो तो टीचर देख लेता है। तो जस्टिस याद रखना कहाँ से लिया है हमने, रशिया से। और आपका इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड आपका फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया है फ्रांस से। और जो इंटीग्रिटी शब्द है ये आपके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। भारत का कोई धर्म नहीं है क्योंकि भारत सेक्युलर है, ठीक है। नीतीश कुमार, मेरा कमेंट, आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। निम्न में से कौन प्रक्षेप्य गति के दौरान द्रव्यमान से स्वतंत्र है। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल रेंज, ऑप्शन बी मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन सी टाइम ऑफ फ्लाइट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, गौरव आप इंटीग्रिटी को यूनिटी की तरह समझ लो, ठीक है। इंटीग्रिटी आप इसको यूनिटी, इकट्ठा करना, एक साथ, एकजुटता, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे विशाल का आंसर ए है, पंकज का ए है, पुष्पांजलि का ए है, जिज्ञासा का सी है,
पुष्पांजलि का सी है, जुगराज का डी है, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो इंडिपेंडेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के तीनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी। डैश समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सॉल्ट। और प्लीज, एक तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो आंसर सही देना, और दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत पुराने टाइम से आप क्या करते आ रहे हो, पढ़ाई करते आ रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा, तो वो सोचेंगे कि मैम आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन का लेवल इजी कुछ नहीं है, बात यह है कि इस क्वेश्चन का भी बहुत सारे बच्चे आंसर सही नहीं देंगे, और जो आपके एग्जाम में जो पेपर आता है वो आपका कैसा आता है, मॉडरेट आता है, जिसमें आपके क्वेश्चन हल्के भी होते हैं और आपके डिफिकल्ट भी होते हैं और आपके मॉडरेट भी होते हैं, तो आपको मुझे भी उसी तरीके के क्वेश्चन देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी का आंसर डी आया है। कुमार दीपक का, विवेक का, प्रभा का, पंकज का, तनु का, किस्मत का, पोएट्री, जिज्ञासा, एंड आप सभी का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, जैसे पूछ लिया था तो वो सभी को पता है। ठीक है, आपने देखी होगी रामायण तो, लेकिन वो तो एग्जामिनर की मर्जी है ना क्या पूछे वो। 20 रुपया इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रुपया किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया की, ऑप्शन बी भूटान की, ऑप्शन सी श्रीलंका की, ऑप्शन डी ताइवान की। और सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आप लोगों ने 200 लाइक कंप्लीट नहीं किए। यूनिक का आंसर है डी, विशाल का ए, नरेश का ए, राजू का डी, प्रेम कुमार का डी, किस्मत का सी, अनिश का सी। करेक्ट आंसर इज, सबसे पहली बात यहाँ जो आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका, इंडिया और नेपाल, यहाँ पे क्या चलता है, रूपी। यहाँ पे क्या पूछा, रुपया, तो रुपया आपके इंडोनेशिया में चलता है, और एक आपका होता है रूफिया। ठीक है, रूफिया, तो ये आपका कहाँ पे चलता है, रूफिया, ये आपका चलता है मालदीव्स में। ठीक है, ये आपका कहाँ पे चलता है, मालदीव्स में, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। यहाँ पे रूफिया पूछा है तो वो आपके इंडोनेशिया में, यहाँ पे एफ जहाँ पे आ जाएगा वो आपका आएगा मालदीव्स में, और रुपया आपका श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल में। ठीक है, नीतीश कुमार, सभी का नाम नहीं आ पाता, किसी किसी का ही नाम आ पाता है। मालदीव्स लिखा तो है, रुपया मालदीव्स। विनम्रश ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन कुमार, हेलो, वेयर इज द सिंगूर डैम लोकेटेड। सिंगूर बांध कहाँ पे है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 21, मेरी आवाज डबलिंग हो रही है, तो यहाँ पे रंजीत का आंसर ए, नीतीश का ए, संचिता का ए, बापी का बी, सचित का तेलंगाना, संगीता का बी, आकाश का बी, न्यूटन का बी, दाना गुनावत का डी। एंड करेक्ट आंसर इज, आपसे पूछा गया सिंगूर डैम, तो ये आपके डी तेलंगाना में है। किस रिवर पे बना हुआ है ये, मंजीरा रिवर पे। ठीक है, मंजीरा रिवर पे बना हुआ है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है मंजीरा रिवर। 21 करेक्ट आंसर इज डी तेलंगाना। ए नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन 630 एडी। 630 ईसा में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन फर्स्ट ने, ऑप्शन सी कीर्ति वर्मन ने, ऑप्शन डी पुलकेशिन सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 22 का कुमार का डी है, राजू का डी है, आकाश का डी है, जिज्ञासा तुम शहनाज के पास चले जाओ पोएट्री हब। जिज्ञासा का डी है, तो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, एंड करेक्ट आंसर इज। आज प्रिंस क्लास में नहीं आए हो क्या, जॉर्डन प्रिंस तुम लोग आए नहीं हो क्या, तो बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट आंसर इज डी। पुलकेशिन ने आपके डिफीट किया था हर्षवर्धन को, और जो पुलकेशिन थे वो कहाँ के राजा थे, वो आपके चालुक्य किंग थे। ठीक है,
ये कहाँ के राजा थे, किस डायनेस्टी के? तो चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे पुलकेशिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग स्प्रेड फ्रॉम द सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी बिहार और सासाराम और रोहतास में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला है? ऑप्शन ए विध्यान सिस्टम, ऑप्शन बी कडप्पा सिस्टम, ऑप्शन सी अरावली सिस्टम या ऑप्शन डी धरवड़ सिस्टम। तो यहाँ पे धर्म का आंसर है अरावली। बिहार में अरावली पहुंच गया धर्म। गजेंद्र का भी आंसर है अरावली। गजेंद्र आपने भी अरावली को पहुंचा दिया बिहार में, और बाकी सबका आंसर आ रहा है धरवर, और संजीव का आंसर है विंध्या। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो गया विंध्या सिस्टम। ठीक है, विंध्या सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। कडप्पा सिस्टम को, कडप्पा रॉक को रिप्लेस करके आपका कौन सा आया था, विंध्या सिस्टम आया था। और ये किस तरीके का रॉक होता है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, ये आपके किस तरीके का रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो कि आपके शाल लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड दैट इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, किसने कहा था कि भारत विनाशकारी राज्य है और अविनाशी संघ है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी बी एन राव ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। 24th, एक बार सारे स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जो लाइव देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रभात, टोटल 40 क्वेश्चंस है, तो विवेक का आंसर है बी बी एन राव, मानस का ए, कैलाश का ए, आकाश का ए, पोएट्री हब का ए। मेरी आवाज डिफरेंट है क्योंकि माइक में करंट आ रहा है, मुझे बार बार माइक को एडजस्ट करना पड़ता है। तो 24th करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के जो राज्य है वो क्या है, डिस्ट्रक्टेबल, और जो आपका भारत है वो क्या है, अविनाशकारी। इसका कहने का तात्पर्य क्या था, इसका कहने का मतलब ये हुआ उनका, आप जानते हैं कि जो आपका इंडिया है उसमें तो आपके इंडिया के मैप में आप कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके स्टेट्स है उसके आप नाम बदल सकते हो, स्टेट्स के बाउंड्री लाइन में आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, तो उसको तो बदला जा सकता है लेकिन भारत को नहीं बदला जा सकता। इसलिए उन्होंने भारत को कहा था कि वो क्या है, अविनाशकारी है, और जो आपके स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो 24th करेक्ट आंसर इज ए बी आर अम्बेडकर। मेरा नाम वर्षा सिंह है, तो समझ में आया ना, जो आपके स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाउंड्री लाइन में भी हो सकता है, उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा था, विनाशकारी कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25th, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल नेमसेक, नेमसेक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी निकिता आनंद, ऑप्शन सी विपिन रावत या ऑप्शन डी जोम्पा लहरी। आज बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम हुआ होगा, है ना, और जो वो एग्जाम दे करके आए होंगे तो उसमें से आधे निश्चिंत बैठ गए होंगे, अभी वो एक डेढ़ महीने आराम करेंगे क्योंकि अभी उनके ऊपर से वो थोड़ा जो तनाव था वो कम हो गया है, क्योंकि 10 दिन पहले जोश आता है, एग्जाम जिस दिन होता है खत्म, उस दिन के बाद उनको 1 महीने का रेस्ट चाहिए होता है। 25, यहाँ पे अमन का आंसर है ए, सारे बच्चे बोल रहे हैं ए बी, और करेक्ट आंसर दिया है बापी ने, तो बापी एंड पोएट्री हब और विनम्रा शॉ, तीनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जुम्पा लहरी। ठीक है, जो नेम से नोबल है उसकी जो ऑथर है वो कौन है, जुम्पा लहरी। क्वेश्चन नंबर 26, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज, ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी फिजिकल रिएक्शन है, ऑप्शन सी केमिकल रिएक्शन है, या ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। दो ऑप्शन तो आपके आराम से ऐसे ही छट गए, अब दो में से बता दो कौन सा होगा। शुभाशीष का 25th का सी है, अभी तक सी पे ही हो। मेरा नाम है V for van, A for apple, R for rat, S for star, H for horse and A for दोबारा से ant। ठीक है, वर्षा सिंह है मेरा नाम। तो गजेंद्र का आंसर केमिकल रिएक्शन, आकाश का आंसर है डी। आकाश एक बात बताओ, अभी अभी आपको बताया था कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके आयरन को बचाने के लिए आपके जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि आयरन के ऊपर रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया।
इवेपोरेशन ऐसी हट गया, दो चीजें बची थी और आप स्टेटमेंट से समझ जाते कि आंसर क्या था, केमिकल रिएक्शन था। तो बापी आपका भी आंसर गलत आ गया डी, गुंजन आपका भी डी गलत आ गया, जिज्ञासा आपका भी गलत आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, मॉस्किटो कंट्रोल इज अ वाइटल पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो आप मच्छरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस चलती है कि मच्छरों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उससे बहुत बीमारी फैलती है, स्पेशली इन द ट्रॉपिक टू द कंट्रोल डिजीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू फीवर। जैसे कि मलेरिया और डेंगू आपके फैलते हैं, तो इसमें से कौन सा बायो कंट्रोल यूज किया जाता है ताकि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम किया जाए? ऑप्शन ए बीटल्स, ऑप्शन बी पेलिकन्स, ऑप्शन सी रोहू फिश, या ऑप्शन डी गैम्बुशिया एफिनिस। क्वेश्चन नंबर 27, तो राजू का गैम्बुशिया, जिष्णु का रोहू, रंजीत का रोहू, बंगाली हो क्या जिष्णु तुम, आदित्य का डी, पंकज का डी, दशरथ का डी, बापी का डी, एंड करेक्ट आंसर जो गजेंद्र शर्मा, जिज्ञासा कुमार, दीपक, सभी का डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो गैम्बुशिया होती है ना, ये एक तरीके की मछली है, ठीक है, ये क्या है, एक फिश होती है जो केवल क्या खाती है, मच्छरों को खाती है, ठीक है, ये आपकी बहुत छोटी साइज की फिश होती है और ये केवल और केवल क्या खाती है, मच्छरों को खाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज रिलेटेड टू विच गेम। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी टेबल टेनिस से, ऑप्शन डी बैडमिंटन से। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका आंसर देखो किसने किसने दिया है। तो कल मैंने पूछा था कि अभी असम में कौन सा एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसका आंसर दिया प्रिंस ने, बिल्कुल करेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर। उसके बाद आपका बापी ने भी करेक्ट आंसर दिया था कि मैंने पूछा था कि इमरजेंसी के दौरान आपके कौन कौन से आर्टिकल नहीं सस्पेंड होंगे। कामेश ने भी आंसर दिया बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर। जॉर्डन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी आर्टिकल बता दिया, 20 और 21 जो आर्टिकल होता है वो सस्पेंड नहीं होता, नहीं होगा अगर आपका इमरजेंसी भी लग जाए तो भी। और प्रिंस का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, न्यूटन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बस 4-5 बच्चों ने आंसर दिया। आप लोग क्लास को सीरियसली लोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर इज, क्या पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा है, तो किससे रिलेटेड होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो यहाँ पे कुमार का आंसर आ रहा है लॉन टेनिस, मानस का आंसर ए, नीतीश का आंसर डी, जिज्ञासा का ए, तो करेक्ट आंसर इज आपका ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताओ कि सबसे पुराना जो आपका ये था ग्रैंड स्लैम वो कौन सा था, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा था? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा था? आपको मालूम है ना कि चार तरीके के आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो गजेंद्र का आंसर है विम्बलेडन, गौरव का विम्बलेडन, ब्रजेश का, जुगराज का, सभी का आंसर विम्बलेडन है, विम्बलेडन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, विम्बलेडन है, और कब हुआ था ये आपका 1877 में, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था 1877 में आपका विम्बलेडन स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है।
सभी का हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट। तो ये समझ में सुन लो, आपके कोर्ट तीन तरीके के होते हैं। एक आपका होता है हार्ड कोर्ट, एक आपका होता है क्ले कोर्ट और एक आपका होता है ग्रास कोर्ट। ठीक है, चार जो आपके होते हैं, एक आपका खेला जाता है एक पे, एक एक पे और एक आपका खेला जाता है दो पे। तो ये चारों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, कि अभी नहीं बताना, कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना है कि हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, आपके क्ले कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। अशोक ने किस शिलालेख में हर इंसान मेरा बच्चा है का उल्लेख किया? ऑप्शन ए मेजर रॉक एडिक्ट फोर्थ में, ऑप्शन बी मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ में, ऑप्शन सी मेजर रॉक एडिक्ट सिक्स्थ में, ऑप्शन डी मेजर रॉक एडिक्ट सेवेंथ में। क्वेश्चन नंबर 29, चार होते हैं मनीष, तुमने दो ही लिखा है, अभी नहीं बताना वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 29, तो उत्पल का आंसर है ए फोर्थ, एडिक्ट सिक्स, विनम्रा शो का सिक्स है, संगीता का आंसर बी है। संगीता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मेजर और एडिक्ट फिफ्थ में आपके अशोका ने मेंशन किया था एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। ठीक है, फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द लेसर ट्रेन डिपॉजिट ऑफ कश्मीर कॉल्ड करिवाज आर नोन फॉर। ऑप्शन ए टेरिस फार्मिंग, ऑप्शन बी एप्पल ऑर्किड, ऑप्शन सी झूम कल्टिवेशन, ऑप्शन डी सेफ्रॉन कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, और जल्दी से आप 300 लाइक पूरे कर दो तुम लोग। ठीक है, और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि कमेंट में आंसर दिया करो, तो मतलब उसका आंसर कमेंट में आप लोग दिया करो। ठीक है, तो उत्पल का आंसर ए है, संगीता का आंसर डी है, गजेंद्र का डी है, कैलाश का डी है, पराग का डी है, कुमार का डी है, पंकज का डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके करेवाज है वो किसके लिए जाने जाते हैं? सेफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए जाने जाते हैं। और इतना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन भी हो रखा है कि कश्मीर, तो कश्मीर से ही समझ जाते हैं कि वहां पे आपके केसर का होता है काम, तो आपका सेफ्रॉन कल्टिवेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच कमिटी रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 31, किस समिति ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिफारिश की? ऑप्शन ए एस के धर, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी सरकारिया या ऑप्शन डी जेबीपी। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पे अर्जुन का बी है, आकाश का बी है, तो जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं सभी का आंसर गलत है, सी वाले भी सारे गलत है, करेक्ट आंसर होगा ए, और ए किसने भी नहीं दिया। एस के धर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो आपके राज्य है उसका दोबारा से क्या होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहा जाता है, कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड एज। एक बिंदु पर कार्य करने वाली बलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोपा लेनर फोर्स, ऑप्शन बी कंकरेंट फोर्स, ऑप्शन सी यूनिट फोर्स, ऑप्शन डी कोलिनियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 32, गौतम आपने ए बोला था, तो ए बिल्कुल करेक्ट था आपका, धर्म ए नहीं, बी नहीं होगा, ए ही होगा। तो यहां पे आकाश का आंसर ए, नरेश का बी, कुमार दीपक का भी बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, कंकरेंट फोर्स। ठीक है, कंकरेंट फोर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लू विट्रियल इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू विट्रियल निम्नलिखित में से किसके लिए दूसरा नाम है? ऑप्शन ए कॉपर के लिए, ऑप्शन बी मैग्नीशियम के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का पंकज, जिष्णु, पराग, रूपा, बापी, जी के, ओम प्रकाश, ब्रजेश, दिवाकर, हरे कृष्ण, कमलेश, रंजीत, विनय, संचिता, शिवम, राम प्रवेश, आयुष, आशुतोष, बिल्कुल करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं है?
ऑप्शन ए एडेनाइन, ऑप्शन बी साइटोसाइन, ऑप्शन सी यूरेसिल, ऑप्शन डी थाइमाइन। क्वेश्चन नंबर 34। और एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दो। और आप में से जब भी कोई स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप इस कोड का यूज़ करना वर्षा, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, इससे भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास की सारी अपडेट, लिंक एंड PDF मिल जाए। ठीक है, 34th का उत्पल, विश्वजीत, रोशन, रूपा, माकर लाडला, मानस, संजीव, राम प्रवेश, संगीता, दिवाकर, नीतीश कुमार, जिज्ञासा, पराग। नीतीश आपका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज सी यूरेसिल। ठीक है, 34th करेक्ट आंसर होगा सी यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 9th, वेयर इज केवलादेव नेशनल पार्क अ यूनेस्को नेशनल हेरिटेज साइट लोकेटेड। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की राष्ट्रीय विरासत स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी कर्नाटका में। थाइमाइन नहीं होगा, यूरेसिल होगा उसका करेक्ट आंसर। ऋषु हेलो, बबलू, नीतीश कुमार का डी है। नीतीश तुम सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दे रहे हो। संचिता, पृथ्वीजीत, पंकज, फैक्ट्री स्टेटस, किस्मत, ऋषु, बापी, गौतम, दशरथ, गजेंद्र, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। केवलादेव आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36, विच रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब अशोका फर्स्ट धामा यात्रा टू बोध गया एंड बोधी ट्री। किस शिलालेख में अशोक की बोध गया और बोध वृक्ष की पहली धाम यात्रा का वर्णन है? ऑप्शन ए एडिक्ट 8th में, ऑप्शन बी एडिक्ट 7th में, ऑप्शन सी एडिक्ट 6th में, ऑप्शन डी एडिक्ट 5th में। तो रंजीत का आंसर है सी। पवन हेलो, कैलाश का 5th, नीतीश, बीरू का सी, शयन का सी। तो जो भी बच्चे यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज 8th, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और पराग आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पंकज आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारतीय राज्यों में से निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ऑप्शन बी यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 37, बापी एक बार ही आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना, अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का आंसर ए है, गौतम का, बबलू का, कमलेश का। एक तो तुम लोग आंसर इतने ज्यादा गलत देते हो ना कि आंसर कमेंट देख करके इरिटेशन हो जाती है, आज इतना गलत क्यों कर रहे हो। तो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो टोटल आपके 8 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, एक है आपका राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है मिजोरम, ठीक है, पांचवा है आपका त्रिपुरा, छठा है आपका त्रिपुरा है एक, उसके बाद आपका छठा है छत्तीसगढ़, और बाकी दो कौन से है ये बता दो। त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़ है, बाकी दो कौन से है जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, हिंट भी दे सकती हूँ मैं। एक तो स्टेट आपका ए से स्टार्ट होता है और एक वो वाला स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है। अब बता दो, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, बाकी दो। ऋषु का आंसर आ रहा है गुजरात, एंड ऋषु आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक तो है आपका आंध्र प्रदेश और एक है आपका गुजरात। गुजरात, ये टोटल 8 स्टेट्स है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है पास, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आप जो RNA और DNA वाला क्वेश्चन कह रहे हो उसको मैं एक बारी क्रॉस चेक कर लूंगी। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 38, नेलापटू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो यहाँ पे आकाश, रंजीत, अमन, आकाश, शयन, सभी का आंसर आ रहा है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे ये पट्टू आ जाए, रोला पट्टू, नेला पट्टू, इससे समझ जाना ये कहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश। 39, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज, किस पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी टेंशन, ऑप्शन सी एवरेज फोर्स, ऑप्शन डी इम्पल्स। पवन आपका आंसर भी बी बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश। संचिता आपका भी, संगीता आपका भी। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द रबिंग ऑफ सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पावर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड, ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन, या ऑप्शन डी एंटीमोनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 40। सभी का आंसर विवेक का, जुगराज का, ब्यूटी का, एजुकेशन सेंटर का, रंजीत का, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। तो बताया तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके 8 स्टेट से गुजरते हैं। ठीक है, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो गया बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके 8 स्टेट्स हैं जहां से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। अभी अभी तो बताया आपको। हाँ, तो यही तो है, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। सॉरी, गुजरात। हाँ, गुजरात। ठीक है, एक बेढंग वाले लड़के का कमेंट अभी देखा तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके 8 स्टेट्स है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है, तो मैंने आंध्र प्रदेश कहाँ बताया, मैंने राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा ही तो बताया है। बोलो इसमें क्या, किसको डाउन, आंध्र प्रदेश कहाँ है, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा है, ये 8 आपके हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश मैंने बोला था, लिखा तो सही है आंध्र प्रदेश, अगर बोला होगा तो स्लिप ऑफ टंग होगा। आपके जो 8 स्टेट्स हैं वो है आपके राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका मिजोरम, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये आपके 2 याद कर लो, नॉर्थ ईस्ट से आपके मिजोरम और त्रिपुरा है, इधर आपका एमपी और छत्तीसगढ़, तो एक ही समझ लेना। तो ये 2 आपके ये हो गए, गुजरात, राजस्थान एक तरफ है तो उसको याद कर लेना, और झारखंड, वेस्ट बंगाल ऐसे याद कर लेना, 8 स्टेट्स है आपके टोटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस होते हैं। ठीक है, और जो वो डीएनए आरएनए वाला क्वेश्चन कह रहे हो, तो मैं आपको खुद ही बता रही हूँ, मुझे साइंस की नॉलेज नहीं है, मैंने वैसे वो क्वेश्चन चेक किया था तो 2 जगह उसका आंसर सेम था, तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके आपको कल बता दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था, कल आप लोगों की स्पेशल क्लास नहीं होगी, कल आपकी 7 PM पे प्लस की क्लास है। ठीक है, और कल आपकी 11:15 PM पे यही यूट्यूब की क्लास है। ठीक है, तो इस दोनों क्लास को आप लोग कल ज्वाइन करिएगा।
शुभम तुम्हारे ही कमेंट का आंसर मैं दे रही हूँ कि मैं इसको कल बता दूंगी एक बारी क्रॉस चेक करके, ठीक है? ठीक है, मैं कल आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगी। मैंने यूरेसिल देखा है और मैं एक बार इसको मुझे देखना पड़ेगा तो ही मैं बताऊंगी, या फिर मैं अभी आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल है GA/GS/वर्षा सिंह, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है कंटेंट में तो आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन होगा तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो जो मेरे मुँह से अगर आंध्र प्रदेश निकला था और बिहार निकला था तो स्लिप ऑफ टंग था, तो उसको प्लीज आप लोग काइंडली इग्नोर करना। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि जो 8 स्टेट्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस होते हैं, ऐसे याद कर लो कि आपका जो गुजरात और राजस्थान है वो एक तरफ पड़ता है एक साथ, तो इसको याद कर लो एक तरफ। दूसरा आप याद कर लो MP एंड छत्तीसगढ़, ठीक है? वो एक दो लोग फालतू के कमेंट कर देते हैं ना तो थोड़ा इरिटेशन हो जाती है, इसलिए हो सकता है वो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। तो गुजरात राजस्थान एक तरफ, आपके MP और छत्तीसगढ़ आपका एक तरफ हो गया। उसके बाद इधर से आप याद कर लो वेस्ट बंगाल और झारखंड, दोनों पास पास है तो इन दोनों को याद कर लीजिए। और जो चौथा आपका बचता है वो आपका बच जाता है मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये दोनों एक तरफ हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगा। मैप के अकॉर्डिंग चले जाओ, गुजरात राजस्थान एक साइड, MP से ही अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना तो ये दोनों, फिर आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड एक तरफ हो गया और आपका मिजोरम त्रिपुरा एक तरफ हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था। कल कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी, कल YouTube की क्लास होगी और प्लस की क्लास होगी, तो कल आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो को जल्दी से आप एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।